हेलो गाइस, वेलकम टू दिस अमेजिंग मैच। आज मैच रहेगा मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस अर्जेंटीना के बीच। यहां पर मैच की शुरुआत, पहला टच देंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। रोनाल्डो से बॉल जोवा के पास जाता हुआ। अब देखते हैं किस तरह दोनों टीम इस मैच को आगे बढ़ाती है। ग्रेसिया के पास बॉल, ग्रेसिया से जोवा के पास, बट जोवा अच्छा इंटरसेप्शन कर रहे हैं। बट यहाँ पे फिर से पोजीशन अर्जेंटीना के पास। तो जिस तरह से मुझे ये मैच में लग रहा है कि दोनों टीम बराबर लेवल पे है और यहाँ पे चांस दोनों का बन रहा है कि मैच जीतने का। यहाँ पे कुबो के पास बॉल, बट कुबो से अच्छा तरह से बॉल कंट्रोल किया नहीं गया। अल्जिद्रो के पास बॉल, अल्जिद्रो से अच्छा पास यहाँ पे हुआ नहीं। अर्जेंटीना के पास फिर से पोजीशन, एक बार फिर से इंटरसेप्शन करते हुए नेमार ने अच्छा पास किया अल्जिद्रो की तरफ से। एक बार फिर से मिस्टेक। इस मैच में अगर आपको जीतना है तो मिस्टेक्स बहुत कम करनी पड़ेंगी। जो पासेस आपके पास आ रहे उनको अच्छी तरह दूसरे पासेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बट यहाँ पे जो दिख रहा है मुझे कि थोड़ा अल्जिद्रो स्ट्रगल कर रहे हैं पासेस करने में। नेमार अच्छी तरह से खेल रहे हैं। यहाँ पे एक बार फिर से जोआ के पास बॉल, क्रिस्टियानो रोनाल्डो से अच्छा यहाँ पे पास होने की अपेक्षा थी, बट इतना पुख्ता वो पास दे नहीं पाए। एक बार फिर से इंटरसेप्शन करते हुए यहाँ पे जोआ आज बिजी रहे हैं, पर उनका पास इतना खास अभी तक नहीं दिखा है मुझे। पहले तो पास बहुत अच्छे थे, बट यहाँ पे अच्छा पास नहीं। और यहाँ पे गोल का चांस भी था, बट एक बार फिर से चांस पर चांस मिस होता हुआ, बिकॉज बहुत ही मतलब ऑफ टारगेट शॉट यहाँ पे मार रहा था। मैगन के पास फिर से एक बार किक करने का मौका। जितना हाई पिन कर पाएंगे, जितना हाई किक कर पाएंगे और जितना दूर कर पाएंगे उतना उनके टीम के लिए अच्छा रहेगा। और यहाँ पे अच्छी यहाँ पे किक करते हुए बहुत लंबी किक यहाँ पे। और एक बार फिर से नेमार के पास चांस था, नेमार ने चांस मिस कर दिया। मतलब मुझे नहीं समझा कि उन्होंने बॉल क्यों छोड़ा पीछे की तरफ, बट यहाँ पे बहुत अच्छा चांस था यहाँ पे उनको पोजीशन लेने का। यहाँ पे एक बार फिर से लेवरे के पास बॉल, लेवरे ने यहाँ पे अच्छा हिट करने का ट्राई किया। बॉल टकराता हुआ अर्जेंटीना के प्लेयर से। यहाँ पे हेडर, सरज के पास बॉल, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास फिर से एक बॉल, कुबो को चांस, बट कुबो से बॉल निकालने में अर्जेंटीनियन प्लेयर को बहुत अच्छी सक्सेस मिली है। यहाँ पे डेविड ग्रेसिया ने पावर की तरफ बॉल को पास किया, पावर ने कुबो की तरफ किया। एक बार चांस यहाँ पे बनता हुआ, कुबो बॉल आगे लेके बढ़ते हुए। यहाँ पे पास होना चाहिए मुझे लगता है, बट यहाँ पे पास करने में बहुत देरी कर दी। पावर के पास फिर से एक बार पोजीशन आता हुआ एक बार फिर, पर पावर इस बार बॉल को पकड़ नहीं पाए अच्छी तरह से। तो एक बार देखते हैं फिर से पावर के पास पोजीशन है। सारच यहाँ पे बहुत ट्राई कर रहे हैं। पावर के पास फिर से एक बार पोजीशन आती हुई, कुबो के पास बॉल, कुबो एक ट्राई कर रहे कि एक अच्छा साइड से बॉल दे पाए। और रोनाल्डो के पास चांस था यहाँ पे, रोनाल्डो ने चांस यहाँ पे मिस कर दिया। बोल नहीं सकते मिस, बट यहाँ पे अच्छी गोलकीपिंग भी बोल सकते हैं। बहुत क्लोज और टाइट कॉल था वहाँ पे। एक बार फिर से नेमार के पास पोजीशन, नेमार को एक कॉर्नर लेने का मौका, नेमार ने पास किया बॉल को, अच्छा हेडर यहाँ पे नहीं हो पाया, बहुत ही ऑफ टारगेट हेडर यहाँ पे। एक बार फिर से अर्जेंटीना के गोलकीपर के पास चांस, यहाँ पे गोल। एक बार फिर से अर्जेंटीना के प्लेयर यहाँ पे, एक बार सारच ने यहाँ पे चांस था सारच को। यहाँ पे एक बार फिर से अर्जेंटीना प्लेयर के पास बॉल, एक बार फिर से मैनचेस्टर के पास बॉल। यहाँ पे अच्छा इंटरसेप्शन यहाँ पे, बट बॉल को कंट्रोल नहीं कर पाए यहाँ पे। उसकी वजह से पोजीशन फिर से अर्जेंटीना के पास, अर्जेंटीना ने बॉल को पास किया। यहाँ पे एक चांस बनता हुआ, बट यहाँ पे अच्छा खारिज किया इस बॉल को अल्जिद्रो ने। यहाँ पे अच्छा पास, बहुत अर्जेंटीना के पास चांस, बॉल को आगे लेके बढ़ते हुए। यहाँ पे गोल की तरफ बहुत पुख्ता कंडीशन है, यहाँ पे गोल बन सकता है। यहाँ पर अच्छा पास नहीं हुआ पा, अच्छा पास नहीं, वहाँ से भी ट्राई करते उस गोल को स्कोर करने का तो अच्छी तरह गोल स्कोर कर सकते थे। बट उनका मानना यह था कि पास करेंगे तो बेटर रहेगा, एक डिफ्लेक्शन बनेगा और वहाँ पे गोल हो सकता है। बट उनका डिसीजन बहुत गलत था। ये डिसीजन उनको टीम को महंगा ना पड़ जाए। और यहाँ पे अच्छा जैसे कंट्रोल करती हुई अर्जेंटीना गेम को, गोल का चांस यहाँ पे, गोल और डी ब्रुइन का अच्छा गोल यहाँ पे, और बहुत ही खतरनाक गोल यहाँ पे करते हुए और अपनी टीम को बढ़त में लाते हुए फर्स्ट हाफ के आखिरी कुछ चंद लम्हों में। सेलिब्रेशन आप देख ही सकते हो किस तरह उनका सेलिब्रेशन चल रहा है, और बनता भी है सेलिब्रेशन बहुत, जिस तरह से उन्होंने मैच में दबदबा एक लेवल पर बना के रखा था, अच्छे पोजीशन अच्छे पासेस बना रहे थे। फर्स्ट हाफ का खात्मा यहाँ पे होता हुआ, फर्स्ट हाफ खत्म होता हुआ। सेकंड हाफ में देखते हैं क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड अच्छी तरह पोजीशन बना के इस मैच में वापसी कर पाएंगे या नहीं। बने रहिए मेरे साथ सेकंड हाफ में। फिर से एक बार मैच की शुरुआत, सेकंड हाफ की शुरुआत। गैब्रियल के पास बॉल,
पास अच्छे से करते हुए यहाँ पे एक बार फिर अर्जेंटीनियन प्लेयर से बॉल छीनते हुए कुबो, कुबो के पास बॉल, अभी देखते हैं किस तरह से कुबो इस बॉल को कंट्रोल कर पाएंगे और यहाँ पे अपनी टीम को जीत में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे कुबो बॉल को आगे लेके बढ़ते हुए। बट यहाँ पे अच्छा बोल सकते हो कि एक पास गोलकीपर की तरफ दिया गया था, गोलकीपर ने अच्छे से पास रोनाल्डो के पास दिया है, एक अच्छा किक उन्होंने किया है। अभी देखो गैब्रियल के पास फिर से बॉल, ड्यूब्रन के पास फिर से बॉल, नेमार अभी बॉल को आगे लेके बढ़ते हुए गोल का चांस बनता हुआ यहाँ पे, उसके पीछे एक बार फिर से अर्जेंटीनियन प्लेयर का पास इतना अच्छा नहीं था तो इसकी वजह से बॉल गोल पर रख नहीं पाए। एक बार फिर से कॉर्नर लिया था नेमार ने, नेमार का कॉर्नर इतना कुछ खास कर नहीं पाया, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा किक इसको बोल नहीं सकते। एक बार फिर से कॉर्नर का चांस नेमार को, एक अच्छा कॉर्नर यहाँ पे, फिर भी यहाँ पे अच्छा चांस यहाँ पे बन सकता था अगर अच्छा पास होता, अगर वो पास थोड़ा हाई होता तो हेडर मार के चांस ले सकते थे। यहाँ पे एक बार फिर से बॉल को किक किया गया है अर्जेंटीनियन गोलकीपर की तरफ से, सॉरी मैनचेस्टर के गोलकीपर की तरफ से, कुबो बॉल आगे लेके जाते हुए, कुबो के पास चांस है यहाँ पे, कुबो ने अच्छा पास यहाँ पे किया है, बहुत खतरनाक पास यहाँ पे बोल सकते हैं आप। यहाँ पे एक बार चांस यहाँ पे सारज के लिए, सारज बॉल आगे लेके बढ़ते हुए, सारज के पास चांस बहुत अच्छा है यहाँ पे, फाउल का चांसेस बोल सकते हो कि जिस तरह से उनको पुल किया जा रहा था, बट यहाँ पे जो रेफरीज उनका मानना है कि ये फेयर चैलेंज था। पावर के पास एक बार फिर से बॉल, पावर क्या कर पाते हैं देखते हैं, डेविड ग्रेसिया, ग्रेसिया ने पास किया कुबो को, कुबो अभी बॉल को आगे लेके बढ़ते हुए यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से स्पिन करते हुए चांस बनता हुआ यहाँ पे, और पास अच्छे से किया है बट इतना पास अच्छा नहीं था। यहाँ पे रोनाल्डो के लिए चांस, रोनाल्डो ने गोल यहाँ पे स्कोर कर दिया है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये नाम आप याद रखिए, थोड़ा सा चांस मिला उनको इतने बड़े प्लेयर के सामने, आप इतनी बड़ी गलती, छोटी सी गलती भी नहीं कर सकते बट आपने यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर दी। यहाँ पे आपको बॉल को पास कर देना चाहिए था आपके दूसरे प्लेयर की तरफ, या बहुत लंबा हाई पिन करना चाहिए था बट आपने यहाँ पे वेट किया और यहाँ पे देख सकते हो कि स्कोर बराबर हो चुके हैं। अभी टाइम है थोड़ा सा सोचने का, ब्रेक लेने का और अपने टीम को रीस्ट्रक्चराइज करने का दोनों टीम के लिए। यहाँ पे देख सकते हो मैनचेस्टर की जो टीम है यहाँ पे अपने टीम में बहुत चेंजेस करने के देख रही है, कि अच्छे प्लेयर, अच्छे बोलने से बेटर, जो अभी प्लेयर थक गए उनको रिप्लेस करके थोड़ा सा एनर्जेटिक प्लेयर यहाँ पे लाने का कोशिश मैनचेस्टर की तरफ से हो रही है, सेम प्रयास वहाँ पे अर्जेंटीना की तरफ से भी हो रहा होगा। पर देखते हैं दोनों टीम किस तरह से अपने चेंजेस को यूटिलाइज कर पाती है, अपने चेंज जो उन्होंने किया है वो उनके लिए किस तरह बेनिफिशियल रह पाते हैं वो देखते हैं। मैच की शुरुआत एक बार फिर से होती हुई, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो चुके हैं दोनों टीम की तरफ से। एक बार फिर से गैब्रियल के पास बॉल, गैब्रियल ने पास किया रोनाल्डो उसके पीछे भागते हुए, यहाँ पे पावर डेविड ग्रेसिया पास पोजीशन, अच्छा बड़ा लंबा सा किक करते हुए यहाँ पे, बहुत हाई अच्छा हेडर यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अच्छा पोजीशन बनाने का ट्राई करते हुए है जोआ ने पावर की तरफ पास किया, पावर ने कुबो की तरफ पास किया, यहाँ पे अच्छी पासिंग यहाँ पे चल रही है और देखते हैं किस तरह से इस मैच में दोनों टीम गोल की तरफ जाती है। और यहाँ पे नेमार के लिए चांस है, यहाँ पे गोल और अच्छा गोल कीपिंग, यहाँ पे डेविड ग्रेसिया ने गोल कीपिंग ने बहुत अच्छी गोल कीपिंग की, यहाँ पे ग्रेसिया ने अच्छा पास, और देखो यहाँ पे रैबिक के लिए चांस बनता हुआ, रैबिक बॉल आगे लेके बढ़ते हुए यहाँ पे अच्छा चांस था बट यहाँ पे फाउल, पोजीशन एक बार फिर से मैनचेस्टर के पास, कुबो बॉल को लेते हुए कुबो ने बॉल को पास किया जोआ की तरफ, जोआ के पास अच्छा चांस था बट जोआ उस चांस को यूटिलाइज नहीं कर पाए। अर्जेंटीना का फिर से पोजीशन, देखते किस तरह से दोनों टीम, कोरिया के पास पोजीशन एक बार कुबो के पास पोजीशन, कुबो से इंटरसेप्शन अच्छा करते हुए, और देख सकते हो कि पूरे मैच में जिस तरह डोमिनेशन रहा है अर्जेंटीना के पास, के डिब्रोन के पास अच्छा मौका गोल स्कोर करने का, इस मैच को एक तरफा बना के जीतने का, पर उनसे जो पास था बहुत ही ख़राब था। एक बार फिर से चांस बनता हुआ गैब्रियल के पास, गैब्रियल बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए, एक बार फिर से इंटरसेप्शन यहाँ पे होता हुआ और यहाँ पे एक फाउल, पोजीशन रहेगी अपने अर्जेंटीना के पास, मैनचेस्टर की तरफ से फाउल हुआ था, फ्री किक का मौका यहाँ पे नेमार फ्री किक लेते हुए, देखते वो फ्री किक का यूटिलाइजेशन कर पाते हैं या नहीं कर पाते और इस मैच को अपनी टीम की तरफ झुका पाते या नहीं झुका पाते। गेम बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, अभी चेंज हो रहे हैं मैनचेस्टर में, कुछ और चेंजेस कर रहे हैं, देखते हैं किस तरह इस मैच को कौन सी टीम और कितने मार्जिन से जीत पाती है या मैच टाई होती है।
नेमार रेडी, नेमार ने यहाँ पे चांस लेने का सोचा है, यहाँ पे खड़ी की बड़ी हाथ, अच्छा अच्छा बोल नहीं सकते आप कि बहुत ही अच्छा कुछ किक यहाँ पे था जिस तरह से बोल हो सके, बट चांस बहुत अच्छे से लिया था। बट देख सकते हो कि यहाँ पे अच्छा हेडर भी यहाँ पे नहीं था। एक बार फिर से चांस है मैगन के पास किक करने का, लंबा किक जितना करेंगे उतना बेटर रहेगा, और बहुत ही लंबा किक यहाँ पे होता हुआ। मैगन इसमें बहुत मास्टर बोल सकते हैं इसमें है, जो बहुत अच्छे लंबे लंबे किक यहाँ पे देते हैं। और यहाँ पे कोरिया और एक बार बॉल कुबो के पास भेजने का प्रयास, बड़ी कुबो के पास फिर से पोजीशन आता हुआ, बॉल को कंट्रोल नहीं कर पाए। ग्रेबेल के पास फिर से बॉल, नेमार जूनियर के पास फिर से, और यहाँ पे एक बार इम्बोलो, इम्बोलो ने पास किया है कुबो के पास, कुबो बॉल आके लेके बढ़ते हुए एक अच्छा चांस बनता हुआ यहाँ पे गोल करने के लिए, और बेसिन बेनियाडा ने यहाँ पे गोल स्कोर कर दिया है। और यहाँ पे एक उम्मीद जो थी अर्जेंटीना के पास इस मैच को जीतने की, मैच को टाई करने की, वो भी ख़त्म होती हुई आखिरी चंद लम्हों में। जिस तरह बेनियाडा ने यहाँ पे मैच में गोल किया है वो काबिल-ए-तारीफ रहा है, और जिस तरह से जो खुशी का इजहार यहाँ पे हो रहा है वो तो उनके लिए बनता ही है। जिस तरह से पहले मोमेंट से ही अर्जेंटीना का दबदबा रहा है इस मैच में थोड़ा बहुत, बट उस दबदबे को कम करते हुए इस गोल को स्कोर करना मतलब बहुत ही खतरनाक है। मैच समाप्त होती है यहाँ पे, बहुत अमेजिंग मैच थी, बहुत हाई वोल्टेज मैच यहाँ पर थी। और यहाँ पे जो सेलिब्रेशन देख रहे हो अर्जेंटीना सॉरी मैनचेस्टर के प्लेयर की तरफ से, वो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही ज़बरदस्त है। देख सकते हो यहाँ पे चार्ट भी है, यहाँ पे स्टैट्स है, जिस तरह से देख सकते हो कि पहले से ही बहुत अच्छा दबदबा अर्जेंटीना के पास है। बट जो लॉन्ग बॉल स्ट्रेटजी जो एक अपने जो प्लेयर है मैनचेस्टर के यूज़ करते हैं, उसके बेसिस पे ये मैच को जीतने में कामयाब रही है। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद, थैंक यू, गुड बाय।